चार पक्तियों से शुरू करता हूं। उलूक महोत्सव है और ये जितने उलूक हैं अब कितने चालाक हो गए हैं, मैं आप लोगों को चार पक्तियों में बताता हूं। स्वागत 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 भैया। लक्ष्मी वाहन, लक्ष्मी वाहनों का सियासत में बोलबाला है, लक्ष्मी वाहनों का सियासत में बोलबाला है और चोर उचक्कों ने भी वहीं पर डेरा डाला है। लक्ष्मी वाहनों का सियासत में बोलबाला है, चोर उचक्कों ने भी वहीं पर डेरा डाला है। प्रेस पत्रकारों, बिककर छपने वाले अखबारों ने पैसों पर ईमान बेच डाला है, पैसों पर ईमान बेच डाला है और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इन्हें नहीं देखता। आजकल न्योलों ने सांपों को पाल डाला, न्योलों ने सांपों को पाल डाला। चार पक्तियां और मैं कहूंगा, इसके बाद यूनिटी का आदेश से बात करूंगा। हम लोग जिस उम्र में है, मैं चार पक्तियां पढ़ूंगा। किन्हीं हाथों में जिंदगी की किताब मत देना, किन्हीं हाथों में जिंदगी की किताब मत देना, हर किसी को अपने घर का हिसाब मत देना और तसल्ली से जिंदगी जीने की तमन्ना हो तो बेवजह बेटे को मालिक का खिताब मत देना। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा। भैया बोले फिर से एक बार फिर से पढ़ते हैं। किन्हीं हाथों में जिंदगी की किताब मत देना, हर किसी को अपने घर का हिसाब मत देना और तसल्ली से जिंदगी जीने की तमन्ना हो तो बेवजह बेटे को मालिक का खिताब मत देना। क्या बात है, वाह, क्या कहने। धर्म के धंधाबाजों को आस्था का हाथ मत देना, धर्म के धंधाबाजों को आस्था का हाथ मत देना, बातों बातों में झुबा कर जाने वाली बात मत देना और समाज में सर उठाकर जीना है तो माँ, मानवता और मातृभूमि के दगाबाजों का कभी साथ मत देना। और अब मैं, ये काशी है, सारे देवी देवता का यह स्थान है। अब कई लोग तो अब नहीं डर पा रहे हैं कानून से, व्यवस्था से, संविधान से, तो मैं छह देवताओं का छह लाइन में बात करूंगा। इनसे तो सभी लोग डरेंगे। गुरु जी, शुरू हो रहा हूं। पड़ी कर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे, पड़ी कर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे, हुआ व्यभिचार भोले शंकर जी शमशान आएंगे और आदर्शों पे आंच आई तो श्री राम आएंगे। आदर्शों पे आंच आई तो श्री राम आएंगे, बढ़ा अन्याय चक्र साथ ले घनश्याम आएंगे और निरंकुश हो गई सत्ता घर अहंकार में, नशा सत्ता की उतारने पर सुराम आएंगे। तालियां अग्निपथ लगाइएगा। नशा सत्ता को उतारने परशुराम आएंगे और तू रावण भी बन जा तो कोई गम नहीं, राजा तेरी लंका जलाने पूछते हनुमान आएंगे। आज पूरे राव है वो कहते हैं फलाने फला को उल्लू बना दिया। महाभारत में एक किरदार कर्ण, जिसे भगवान से लेकर इंसान तक से उल्लू बनाया, उल्लू इसलिए बनाया कि कर्ण को बता दिया गया कि पांचों पांडव तुम्हारे भाई है, लेकिन उनसे नहीं बताया गया कि कर्ण तुम्हारा भाई है। तो मैंने कविता लिखी, तीन मिनट की कविता सुनिए। कर्ण कह रहा है कि जन्म से हमने छल झेला, छल में ही जीना मरना था, माँ की ममता मिली नहीं गंगा में बहकर जाना था। और क्या कह दूं माँ की ममता को, क्या कह दूं माँ की ममता को, जिनका स्तन पिया नहीं और बेटा होकर एक दिन भी माँ अंचल में जिया नहीं।
पिता हमारे सूर्य देव का अपना पर भी मिला नहीं, छल पर छल झेला हमने पर उनका आसन हिला नहीं। इंद्र हमारा कवच मांग भी अर्जुन को नहीं जिता पाता, दो पल पिताजी रुक जाते तो अर्जुन को कौन बचा पाते। कृष्ण की फितरतबाजी भी उस दिन काम नहीं आती, जगत की परछाई भी अर्जुन तक पहुंच नहीं पाती, चक्र सुदर्शन के पीछे घर जाकर नहीं छुपे होते, अर्जुन मृत्यु सुनिश्चित की छुपकर नहीं उगे होते। फिर कहता कि कैसे काबू कृष्ण को ईश्वर, कैसे काबू कृष्ण को ईश्वर, वह बहुरंगी वह नटवर बहुरंगी था और चोरी से अर्जुन के रथ पर बैठाया बजरंगी था, खुद तीनों लोग का भार उठाकर अर्जुन रथ को हाँक रहा था और शिखंडी के पीछे से अर्जुन बाढ़ चलाते काम। क्या बात है भाई। अंतिम चार पत्तियां कहता है कि क्यों मैं मरा, तो कहता है कि गुरु परशुराम का साप भी था, द्रौपदी का अभिशाप भी था, गुरु परशुराम का साप भी था, द्रौपदी का अभिशाप भी था, अभिमन्यु संग धोखे का उतारना मुझे संताप भी था और दुर्योधन के एहसानों के पर खरा उतर भी जाना था, अकृष्ण को भाई से भाई के गर्दन को कटवाना था। अरे क्या कहने का, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये नई बात आपने सोचा, बहुत 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 अच्छी सोच है। गुरु परशुराम का साप भी था, द्रौपदी का अभिशाप भी था और मनु संग धोखे का उतारना हमें संताप भी था, दुर्योधन के एहसानों पर खरा उतर भी जाना था और कृष्ण को भाई से भाई के गर्दन को कटवाना। क्या बात है भाई, वाह। अब मैं गुरु जी के आदेश से मातृशक्तियां बैठी हैं, माँ पर मेरी सत्ता है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। हम देश में तमाम कृतियों मूर्तियों को मां कहते हैं, समस्याओं का निदान भी उनसे पूछते हैं, पर जन्म देने वाली मां के समान कोई हो नहीं सकती, नौ माँ पेट में और कोई हो नहीं। क्या बात है। माँ बच्चे के लिए जिंदगी दांव पर लगाती है, पालन पोषण में फरिश्ता बन जाती है, नजर न लगे लाल को काला टीका लगाती है, उठना बैठना बोलना चलना सिखाती है। माँ जैसा अब तक कोई हुआ नहीं और माँ की ममता से बड़ी कोई दुआ नहीं, इस सृष्टि के त्रिदेव भी माँ के दुलारे हैं, परीक्षा ले सती अनुसुईया से आ रही। माँ बच्चे को खून से पाली है, जरा सी आफत पर बन जाती काली है, माँ इस सृष्टि का अनुपम रचनाकार है और माँ नहीं तो बच्चे का हर सपना भी। माँ बालू बढ़ा देता हूँ, माँ अम्मा जगदम्मा माँ काली है, माँ अम्मा जगदम्मा माँ काली है, माँ भोजन की थाली दूध की प्याली है, माँ सागर सा संभाव अटल निश्चल है, माँ मनोयोग से अपने चमन कमा ली है। अब जो मैं पत्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, ये पत्थर पर लकीर है, माँ पृथ्वी से भी भारी है, माँ पृथ्वी से भी भारी है, माँ की शोभा जगत में न्यारी है, माँ का आंचल आसमान से बड़ा है और माँ वहां भी बड़ी है जहाँ ईश्वर खड़ा है। अरे माँ वहां भी बड़ी है जहाँ ईश्वर खड़ा है, माँ काशी है, काबा है, जीवन की धुरी है,
तीर्थों में पूरी है, माँ नैया है, चवैया है, किनारा है, माँ नहीं तो बच्चा बेसहारा। माँ नहीं तो बच्चा बेसहारा। और जिनकी माँ है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ कि माँ है तो किसी पूजा का कोई फल नहीं होता, माँ है तो किसी पूजा का कोई फल नहीं होता, और माँ के पैर का धोवन गंगा जल नहीं होता। माँ बच्चे के लिए जान पर खेल जाती है और उसके एक मुस्कान पर हर मुसीबत झेल जाती है। अंतिम चार पत्तियां हैं। माँ बेटी के विदाई में टूट जाती है, अंतिम माँ बेटी के विदाई में टूट जाती है, बेटी जब बाँ के दामन से छूट जाती है, माँ जीवन भर घर को बना जाती है, अंतिम समय में आशीर्वाद के चिन्ह द्रा में सो जाती है।